जय गुरुदेव फ्रेंड्स, आपका मेरे चैनल कानूज क्राफ्ट में स्वागत है। आज हम सिंगल कलर से बड़ा सिंपल सा और बड़ा प्यारा सा डिजाइन बनाएंगे। ये डिजाइन इतना सिंपल है कि इसे बिगनर्स भी बना सकते हैं और इस डिजाइन को आप किसी प्रोजेक्ट में डाल सकते हैं। जेंट्स स्वेटर, लेडीज़ कार्डिगन, बेबी स्वेटर, किसी प्रोजेक्ट में आप इसे डाल सकते हैं। इस तरह से बड़ा प्यारा सा डिजाइन है। ये डिजाइन हमारा 8 सिलाइयों का डिजाइन है। 8 सिलाइयों को रिपीट करते हमारा डिजाइन बनता है और इस डिजाइन को बनाने के लिए हमें 2 के मल्टीपल में फंदे चाहिए। तो चलो हम ये डिजाइन बनाना शुरू करते हैं। इस डिजाइन को बनाने के लिए मैंने अपनी सिलाई के अंदर 14 फंदे डाल लिए और एक उल्टी स्लाइस की निकाल ली। सीधी तरफ से हम इसके अंदर एक रो निकालेंगे जो हमारी डिजाइन में काउंट नहीं होगी। ये डिजाइन हमारा रॉन्ग साइड से बनना शुरू होता है। अब इसके रॉन्ग साइड में आ गए। रॉन्ग साइड से हमारे डिजाइन की फर्स्ट रो निकलेगी। एज स्टिच के फंदे को स्लिप करते हैं, ऊन को पीछे करके सभी फंदों को सीधा बनाते हैं। लास्ट वाले फंदे को उल्टा बनाएं। इस तरह डिजाइन की फर्स्ट रो कंप्लीट होती है। अपने डिजाइन के हम सेकंड रो में आगे जो हमारी राइट साइड से, इसमें हम सभी फंदों को सीधा बनाते हैं। अब अपने डिजाइन के हम थर्ड रो में आ गए जो हमारी रॉन्ग साइड से, एज स्टिच को स्लिप करते हैं और सभी फंदों को उल्टा बनाते हैं। अब अपने डिजाइन की फोर्थ रो में आ गए जो हमारी राइट साइड से, इसमें हमारा डिजाइन बनता है। एज स्टिच को स्लिप करते हैं जो हमने एक दो लूप छोड़ के उल्टा फंदा बनाया, इसको इस तरह से उठाएंगे, अपनी सिलाई में लेंगे, दोनों फंदों को हम बैक लूप से 2 का 1 कर देते हैं, फिर अगले फंदे को हम सीधा बनाते हैं। ये रिपीट होता है। 2 के बाद नीचे वाले फंदे को इस तरह से उठाएंगे, अपनी सिलाई में लेंगे, दोनों फंदों को बैक लूप से हम सीधा बना देते हैं, फिर एक फंदा सीधा बनाते हैं, फिर एक दो लूप छोड़ के नीचे वाले फंदे को अपनी सिलाई में इस तरह से लेते हैं, दोनों फंदों को 2 का 1 कर देते हैं। जो हमारे ये उल्टा फंदा है इसके इस लूप को लेते हैं। इस तरह डिजाइन की फोर्थ रो कंप्लीट होती है। लास्ट के दोनों फंदों को सीधा बना दें। इससे हमारे डिजाइन की फोर्थ रो कंप्लीट होती है। अब अपने डिजाइन के हम फिफ्थ रो बनाएंगे जो हमारी रॉन्ग साइड से, एज स्टिच को स्लिप करेंगे, सभी फंदों को हम सीधा बनाएंगे। लास्ट वाले फंदे को उल्टा बनाएंगे। अब अपने डिजाइन के हम 6 रो में आ गए जो हमारी राइट साइड से, एज स्टिच को स्लिप करेंगे और सभी फंदों को सीधा बनाएंगे। अपने डिजाइन के हम 7th रो में आ गए जो हमारी रॉन्ग साइड से, इसमें हम सभी फंदों को उल्टा बना के अपनी 7th रो को कंप्लीट करते हैं।
अब अपने डिजाइन की 8th रो में आ गए जो हमारी राइट साइड से, एज स्टिच को स्लिप कर दें। पिछली बार हमने पहले फंदे पे डिजाइन बनाया था, पहले फंदे को तो हम सीधा बनाएंगे, दूसरे फंदे पे नीचे वाली लूप को सिलाई में लेके बैक लूप से 2 कई करते हैं, फिर एक फंदा सीधा बनाते हैं, फिर अगले फंदे पे 2 लूप में नीचे वाले उल्टे लूप को इससे अपने सिलाई में लेंगे, बैक लूप से 2 कई करते हैं, एक फंदा सीधा बनाते हैं, फिर आगे नीचे उल्टे वाले फंदे को अपने सिलाई में लेके बैक लूप से 2 कई करते हैं, फिर एक फंदा सीधा बनाते हैं। इस तरह हमारे डिजाइन की 8th रो कम्प्लीट होती है, और इन्हीं 8 सिलाइयों को ही रिपीट करते हमारा डिजाइन बनता है। इस तरह हमारा डिजाइन बनता है। बैक साइड से हमारा डिजाइन इस तरह रहता है। इस तरह से हमारे बिल्कुल सिंपल और बहुत प्यारा सा डिजाइन है। अगर आपको मेरी डिजाइन अच्छी लगी हो तो मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।